जी साहब चलिए आप। जी साईं बाबा, मिनाल कहाँ है? मैंने नहीं देखा। तुमने बोला था ना उस पर नजर रखो, किधर है वो? पता नहीं किधर चली गई। शादी सिर्फ इंतकाम देने के लिए की। तेरा बेटा जहाँ भी है मैं ठोकूंगा उसे। इससे पहले कि औरत मुंह खोले पूरे खानदान को उड़ा दूं। पुलिस तुम्हारे लिए छापे मारती फिर रही है, उससे तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो गया। बिल्किस के शोहर की गवाही से ये साफ जाहिर है कि बिल्किस मुसलसल झूठ बोल रही थी। तो तुम्हारी फिक्र लग गई है, तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या मुल्क से बाहर चले जाओ। इसके शोहर की गवाही से ये पता चलता है कि इसके पास 5 लाख रुपए आए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जुल्म के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि पुलिस तफ्तीश के दौरान बल्कि सारा सच बता देगी और वो पुलिस को बताएगी कि उसने मलिक अज्जाल के कहने पर यह सब कुछ किया था। वो पुलिस को बताएगी कि ईशा की वालदा की मौत गैस लीकेज की वजह से नहीं हुई, बल्कि उसने मलिक अज्जाल के कहने पर जानबूझकर गैस ऑन छोड़ दिया था और उस वजह से ईशा की वालदा की मौत हुई। पुलिस जब बल्कीस का बयान अदालत के सामने पेश करेगी तो अदालत मलिक अज्जाल को अरेस्ट करने का हुक्म जारी कर देगी और मलिक अज्जाल को पकड़ने के लिए पुलिस छापे मारना शुरू कर देगी। मलिक अज्जाल इधर उधर चुपता फिर रहा होगा। व्यूअर, जबकि दूसरी तरफ मलिक अज्जाल की बहन मनाल को गाड़ी टक्कर मार देगी और उस वजह से वो शदीद जख्मी हो जाएगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। इसके बाद मलिक अज्जाल को भी पता चल जाएगा और वो अपनी बहन के पास पहुंच जाएगा। उसकी बहन उसे अपने शोहर की सारी सच्चाई बता देगी कि उसने मुझसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए की थी। मलिक अज्जाल जब ये सुनेगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। व्यूअर्स, अब मलिक अज्जाल एक तरफ तो अरबाज को मारने की कोशिश में होगा जबकि दूसरी तरफ वो पुलिस से भी चुपता फिर रहा होगा। व्यूअर्स, क्या पुलिस मलिक अज्जाल को पकड़ने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।